नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे पर जमकर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने समय भी निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पकौड़ा तलना, नाला साफ करना और जूता सीना भी रोजगार ही होता है। रोजगार और सरकारी नौकरी में बड़ा अंतर है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे 10 लाख सरकारी नौकरी देने के ऐलान पर हंस रहे हैं, तो अब वो बताएं कि भाजपा वाले इतना रोजगार कहां से लाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और भाजपा के तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई अपना उम्मीदवार नहीं है। आपको बता दें कि NDA गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले नीतीश कुमार और भाजपा वाले आपस में फड़िया लें, बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है और अब कोई झुंझुना दिखाकर बिहार के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता है। भाजपा द्वारा बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा को लेकर सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा, या आएगा भी नहीं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना का वैक्सीन पूरे देश का होगा, न कि सिर्फ भाजपा का। क्या बंगाल के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगा? तेजस्वी के अनुसार यह बेवकूफ बनाने वाली बात है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आज बिहार आ रहे हैं और बिहार में उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हम यह उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री यह जरूर बताएंगे कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी क्यों रहा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेता जी जान से लगे हुए हैं। इस कड़ी में तमाम नेताओं द्वारा प्रतिदिन कई रैलियां की जा रही है और सभी नेता जनसभाओं को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सासाराम में जनसभा को संबोधित किए, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ में जनसभा को संबोधित किया। हिसुआ में जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके NDA पर जमकर हमला बोला। बताते चले कि बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहार।